हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ये वीडियो फुल्ली उन बच्चों के लिए है जो कि डिग्री में या फिर डिप्लोमा में या फिर मास्टर्स में है। इस समय उनको कॉलेज में प्रोजेक्ट करना है और उनका फ्यूचर एम है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। अब कॉलेज का जो प्रोजेक्ट होता है, ये इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सभी जानते हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। हमेशा इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन जरूर होता है कि व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट इन कॉलेज। तो ये देखा जाता है कि कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है वो उस डोमेन से रिलेट कर रहा है क्या जिस डोमेन में आप जॉब करना चाहते हो। ठीक है, वैसे तो बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में जिनके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। कॉलेज में सेमिनार जो भी होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर उन प्रोफाइल्स पर कर लिया जिस प्रोफाइल पर आगे आपको कैरियर बनाना है, तो बिलीव करिए आपका जो शॉर्टलिस्टिंग का चांस है जॉब के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। So, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग कॉलेज में हैं, अब उनको सेमिनार्स प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं या फिर अभी या फिर कुछ 1-2 महीने बाद करने होंगे। So, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे कॉलेज में हैं एक दूसरे को शेयर कर देना, क्योंकि 60 प्रोजेक्ट है, आप कोई एक ही करोगे ना तो शायद एक कॉलेज के लिए तो सफिशियंट है ये। ठीक है, तो इसको भेज देना सबको, सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरे कॉलेजेस में भी अगर आपके कॉन्टेक्ट है तो जरूर भेजना। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो 60 टॉपिक मतलब लगभग 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। बट मैं अभी सिर्फ नेम्स दे रहा हूँ आपको, और इनमें से जो आप पसंद करें, यहाँ पर डिस्कशन बॉक्स में पूरा दे दे रहा हूँ, जो आप पसंद करें उसको आके वापस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा कि सर आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर डीप वीडियो बना दूंगा कि भाई ये है। ठीक है, क्योंकि 60 के ऊपर बनाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप ऐसे एक एक करके इंडिकेट कर देंगे तो मैं 5-6 के ऊपर अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं, फिलहाल तो अच्छे सारे ही है, तो उनपे मैं आपको डीप वीडियो बना के दे दूंगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, अपने कॉलेज का सेमिनार्स कर सकते हैं, तो मुझे जो अच्छा लगे उसमें से सबसे ज्यादा तो अच्छा लगा कि डिजाइनिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट है। ठीक है, अभी रेडी मिक्स कंक्रीट का आप देखते होंगे मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी बहुत ढेर सारी कंपनीज हैं, क्राइसो जैसी कंपनीज इसके 3 लाख 4 लाख के पैकेजेस दे रही हैं। तो जो लोग थोड़े से रेडी मिक्स कंक्रीट से इंटरेस्टेड फील्ड में है वो लोग जा सकते हैं। इसमें डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स कैसे कर सकते हैं, उस पर क्या क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं उस पर हम लोग बना सकते हैं। एनालिसिस ऑफ सिस्मिक वेव सबसे ज्यादा क्रिएटिव टॉपिक्स है ये, दे रिस्पॉन्स इन बिल्डिंग्स, ये जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। डिग्री वाले भी कर सकते हैं कि भाई कब सेस्मिक का क्या रिस्पांस होगा, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस या फिर टाइम स्टे एनालिसिस के मेथड से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन कंसिडरेशन इन साइक्लोन प्रोसेस, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट, एरेटेड कंक्रीट कंक्रीट का एक टाइप है, तो ऑटोक्लेव कंक्रीट कैसे बनता है इस पर भी आप अपना एक प्रोजेक्ट कर सकते हो। बम्बो एज अ बिल्डिंग मटेरियल, बम्बो के बहुत ज्यादा एक दिन मैंने सोचा था कि बम्बो पर पूरा सेमिनार्स करूंगा, देखते हैं अगर आप में से किसी का वो कमेंट बम्बो के टॉपिक पर आता है तो जरूर उसी पर बना देंगे। बेस आइसोलेशन सिस्टम, चिल्ड बीम्स इन बिल्डिंग डिजाइनिंग, अब आज के टाइम में जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें चिल्ड बीम्स इन बिल्डिंग डिजाइनिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है और आगे हो सकता है बहुत ज्यादा एवरेज ये कवर करेगा बीम्स में। और रॉक फाइबर्स पे आप बना सकते हो, सेमिनार्स दे सकते हो। कंस्ट्रक्शन, भाई ये पैनल्स के थ्रू कंस्ट्रक्शन करना, उस पे भी एक नई क्रिएटिविटी है कि अगर पैनल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें। आपका मन है तो आप ये टॉपिक्स भी चूज कर सकते हैं, करोजन कंट्रोल ऑफ अंडर वाटर पाइल्स। ठीक है, सर बहुत ढेर सारे केमिकल एडमिक्सचर्स आते हैं जिनको यूज कर लीजिए। उसके अलावा आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बहुत ढेर सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो उसके अंदर प्लास्टिक कवर्स का एक लेयर आता है उसको यूज करें पाइल्स के साथ, तो उसमें भी करोजन में कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे और भी रहते हैं, डैम सेफ्टी एंड अर्थक्वेक, डेकोरेट कंक्रीट, कंक्रीट फील्ड एंड ट्यूब कॉलम्स, बैक्टेरियल कॉलम्स एंड लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न डे बिल्डर्स। ठीक है, उसमें हम लोग कैसे कैसे अभी हम लोग क्या क्या नए नए टूल्स यूज कर रहे हैं ये सारे चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। फिलहाल इसमें बहुत से लोग करते भी है, और इसमें आप अगर कर लेते हो तो, क्योंकि अगर बिल्डिंग सेक्टर में अगर फ्यूचर आपको करियर बनाना है तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस इन ब्रिज, यानी कोई भी चाहे ब्रिज में करो चाहे फिर इन बिल्डिंग्स करो, चैलेंजेस के ऊपर एक अलग से पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हो। डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कर सकते हो। हेयर फाइबर एनफोर्स कंक्रीट के ऊपर कर सकते हो, एचपीसी यानी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट कैसे तैयार करेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे उस पर भी बना सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
मैग्नेटाइज वाटर इन कंक्रीट, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, लाइन वेट फेयर आउट सीमेंट सैंडविच, मॉड्यूलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माइक्रो पाइल्स, मोनोलिथिक डोम, आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, पेपर क्रिएट, इन सब पे बना सकते हो। रेडी मिक्स कंक्रीट में बना सकते हो, प्रीवियस कंक्रीट, पॉलीमर मॉडिफाइड स्टील फाइबर। हाँ, स्टील फाइबर पे बहुत ज्यादा लोग अभी बना रहे हैं। अगर आप स्पेशल पेपर डालोगे स्टील फाइबर पे, बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे आपको स्टील फाइबर, चाहे रेनफोर्स कंक्रीट का है या फिर पॉलीप्रोपिलीन का है, दोनों पे ही बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। प्रोडक्शन एंड इरेक्शन ऑफ हॉलो कोर स्लैब्स, अभी देख रहे हो ना, अभी प्रीकास्ट आ गया। जब से प्रीकास्ट आ गया तब से हॉलो कोर स्लैब बहुत ज्यादा भी यूज बढ़ रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है बहुत बड़े इंडस्ट्री कवर करेगा। प्रोग्रेसिव कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ किसी भी चीज के स्ट्रक्चर का कोलैप्स का एक प्रोजेक्ट पूरा इंडिविजुअल कर सकते हो। पंचिंग सियर, ठीक है, पंचिंग सियर क्या होता है, लोकल सियर, पंचिंग सियर पे भी एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट कर सकते हो। पंचिंग सियर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील फाइबर इन फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब में जो ड्रॉप पैनल यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि पंचिंग सियर उससे कंट्रोल में आता है। पंचिंग सियर का अलग ही टॉपिक है, इस पर भी बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो अपना। रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट यानी सिविल इंजीनियरिंग के सेमिनार इस पर दे सकते हो। उसके बाद आप बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, आप कंफर्म कर लो कि आपको बिल्डिंग में करना है, ब्रिजेस पे करना है, दोनों इंडस्ट्री बेटर है, बट जॉब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्डिंग्स पे ज्यादा जॉब्स है। रेनफोर्स यूजिंग नेचुरल सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर पे भी बहुत से बच्चे अभी एमटेक में मैंने देखा लोग बहुत ज्यादा इस पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट विथ फ्लाई एश एंड सिल्क का फ्यूम, ठीक है, थोड़ा पुराना हो गया बट अभी काफी लोग जो कॉलेज में थ्योरी पोर्शन से ज्यादा कवर करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स में, वो इस पे ले सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ कंक्रीट, रिपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, रिस्टोरेशन एंड डिस्ट्रेस फाउंडेशन स्ट्रक्चर, सेल्फ क्लीनिंग कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, ठीक है, खुद से ही फील कर लेते हैं अपने स्ट्रेंथ को। सेस्मिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, अब स्ट्रक्चर में आप चाहे ब्रिज का कर लो चाहे बिल्डिंग का कर लो, सेस्मिक एनालिसिस लगा के स्टेट प्रो ईडीएफ के माध्यम से आप बहुत अच्छे से डिजाइन करके दिखा सकते हो। और उसके बाद स्टोन कॉलम्स भी अभी थोड़ा सा कम बट यूज कर सकते हो, स्टेट इसको भी इसके माध्यम से भी कर सकते हो आप बहुत ढेर सारे टॉपिक्स। ये थे 60 टॉपिक्स, मतलब 60 ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर आप प्रोजेक्ट या फिर सेमिनार करना चाहो तो कर सकते हो। मैं अगर एक सबको एक्सप्लेन करूंगा तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सो आई वांट फ्रॉम यू कि आप इनको पढ़िए, ठीक है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, पढ़िए और पढ़ने के बाद आइए वापस वीडियो पे और कमेंट करिए कि सर मुझे ना इस टॉपिक्स के बारे में डीप जानना है। तो क्या करेंगे हम लोग, उन जो जो मेन टॉपिक्स आपको वो लगेंगे मेरे को इंटरेस्ट है सर इसमें मैं करना चाहता हूँ, मैं उनके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा। ये मेरा देने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है कि अगर आपने अभी कॉलेज में ही स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कर लिया, आपको जॉब में बिलीव करिए बहुत हेल्प होगा। इतना ज्यादा कि लोग पहले दिखता है प्रोजेक्ट, फिर क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसमें निकल के आते हैं इंटरव्यू में, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सिर्फ कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ढेर सारा, तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को जरूर भेजिएगा सो दैट कि उनको पता चले कि अच्छा भाई ये टॉपिक्स कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और साथ ही साथ मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का कि आप लोग कमेंट में कौन सा टॉपिक डालते हो, मैं उस टॉपिक के बारे में डीप वीडियो बना के आपको दूंगा कि भाई 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो, ये देखो फुल डिटेल्स। अब मेरा मन था जैसे बॉम्बे पे था और बेस आइसोलेशन सिस्टम पे था, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के अलग अलग जो न्यू प्रोसेस हैं उन पे था, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पे इंटरेस्टेड हो, सो दैट कि डेफिनेटली हमें वही बताना चाहिए जिसको आप जानना चाहते हो, इसलिए जस्ट आपको मैंने टॉपिक्स दिए, आप चूज करके मुझे बताओ।